ये है हमारा गांव रोंगकोंग, और आज हम जा रहे तिंकर गांव। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नाभी। अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी है नाभी होम स्टे। ये हमको आधे रास्ते तक पहुँचाएगी सीतापुल तक, उसके बाद वहाँ से पैदल चलना होगा हमको। ये रास्ता जाता है आपका ओम पर्वत, और ये जाता है आपका सीधे दारचूला। ये आदि कैलाश का सबसे खतरनाक रोडों में से एक है। ये देखो रॉक पूरा। तो सो गाइस, ये पहुंच चुके हैं हम सीतापुल के चेक पोस्ट। नीचे दिख रहा है आपको, गाड़ी हमारी यहीं रुकेगी और सेवा समाप्त। आगे है गिरबैंग गांव। बुआ जी लोग आ रहे हैं यहाँ पे आराम से, धीमी गति से, और पीछे मामा जी, और पीछे हमारे ये काकू जो है तिंकर गांव के है जहाँ हम जा रहे हैं। अब बोल, हेलो, कहाँ चले? सो गाइस, हम लोग निकल गए। अब हम भारत देश को क्रॉस करके नेपाल बॉर्डर में पहुँचने वाले हैं। देखो, ये नेपाल और इंडिया को जोड़ने वाला छोटा सा एक ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम है सीतापुल। सीतापुल के नाम से बहुत फेमस है। देखो भाई साहब, यस। और ये है काली नदी, देखो काली रिवर पूरी भाई साहब। पहले ओके, मौसम काफ़ी अच्छा, धूप खिली हुई बढ़िया। पीछे से अज्जू भाई, हेलो। तो आप कैसा फील कर रहे हैं भैया? मज़ा आ रहा है बहुत ही। ये इतने बड़े बैग के साथ कम से कम 10-15 किलो का वजन है बैग में। पहाड़ को रे बसे तो दिल्ली रण वाले। यह है गार्डन, यहाँ पे सेब के पेड़ बो रखे हैं। और ये बुजुर्ग लोग अपना आपस में बातें करते हुए, ताकि इससे सफ़र का आनंद मिले सफ़र में। ये देखो गागा पहुंच चुके हैं हम। ये देखो यहाँ पे जंगलों के बीच में ये पवन काफ़ी अच्छा ये रास्ता जाता है ऊपर छंगरू गांव को। यहाँ पे छंगरू गांव है ऊपर, इसके ऊपर सीधे छंगरू गांव को जाता है। और ये घर है शायद तिंकर गांव का रास्ता यही है शायद। भूख भी लग रहा है, अब देखते क्या है। यहाँ कुछ मिलता है नहीं मिलता खाने को, चाऊ चाऊ मिलता है नेपाल में, चाऊ चाऊ। सो गाइस, ये है गागा का होटल, यहाँ बनाएंगे हम चाऊ चाऊ। ये देखो पहाड़ी धन गांव में हमारे इस टाइप का कालीन बनाते हैं। यहाँ बन रहा है चाय, बना रही हमारी लला चाय। हम लोग निकल गए हैं गागा से आगे की ओर। ये दो मेंबर और बढ़ गए हमारे साथ। अभी हमें मिल गए कोई जो चल नहीं पाते हैं, यहाँ घोड़े में चढ़ के जाएंगे अब तिंकर तक। ये घोड़े की सवारी, ये घोड़े जाएंगे यहाँ अब। ये लोग घोड़े में जाएंगे, तिंकर चढ़ाई है ना इस वजह से। सो गाइस, ये आया ब्रिज, काफ़ी अच्छा। ओ भाई साहब, चलो चलो। सो
गाइस। और ये नीचे छोटा सा ब्रिज लकड़ी वाला, ये है लोहा वाला, सॉरी टिंकर का रास्ता यहाँ से नहीं है। सो गाइस जो भी आएगा टिंकर इस पुल को क्रॉस ना करे, सीधे यहाँ से ये जो आगे रास्ता जा रहा है वहाँ से जाना है। सो गाइस असली रास्ता ये है टिंकर जाने का, गलती से हम वहाँ चले गए क्योंकि सारे लोग पहली बार आ रहे हैं तो इस वजह से रास्ते का अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है। चढ़ाई शुरू हो गया है, घोड़े की सवारी के साथ टिंकर को प्रस्थान करते हुए। सो गाइस ये देखो दाल चावल, ये देखो पसीना कितना निकल गया, चमक रहा है पसीना। दाल चावल, ये गाइस मट्ठा भी है चढ़ाई में, रोटी भी है। अभी बहुत कुछ निकलेगा, धीरे धीरे दिखाते रहेंगे आपको। ये दाल चावल तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे भी। अंकु भाई हमारे ट्रैकर भाई है, काफ़ी बड़े बैग के साथ। सो गाइस तो वैसे टिंकर का रास्ता ये देखो, पूरा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे से रास्ता। यहाँ पे सब थक गए और आराम कर रहे हैं। ऊपर से कुछ इस प्रकार का नज़ारा भी था। ये देखो खुशी के मारे फूले ना समा रही है। चलो 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 ये गाकन मादर हाकन, ये थन दुगलंग, दुगलंग का बंदोबस्त होगा यहाँ पे, अब देखते क्या होता है। जो घोड़े आए थे हमसे पहले वो पहले यहाँ आ चुके हैं और यहाँ देखो होम मेड पॉली हाउस हैंड मेकिंग। सो गाइस ये राकंग का छोटा सा इलाका। सो गाइस नाश्ता खा के अब हम लोग निकल गए हैं राकंग से टिंकर की ओर, और ये है राकंग से आगे का व्यू। यहाँ तो अच्छा रास्ता बना रखा है आगे, बढ़िया। ये है टिंकर का रास्ता, पहली बार जा रहे हैं टिंकर सारे लोग हम लोग, तो देखते क्या होता है कैसा रहता है। बड़ानी भी है साथ साथ, तो पूजा भी है साथ में, बड़ानी भी है तो बड़ानी भी देख के आएंगे किस तरीके का। सामने में नदी है, देखो रास्ता यहीं पे है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आगे से जा रहे और नदी के कारण आवाज़ थोड़ा कम आएगा, व्यू अच्छा है काफ़ी यहाँ का। तो हम जाएंगे टिंकर, फिर वहाँ से हम आपको दिखाएंगे टिंकर प्लेस का व्यू। तो गाइस ये नदी के सारे सारे बिना डरे ये और लोग नीचे से आ रहे हैं फटाफट, और हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं मंदिर के नीचे रास्ते में बैठे हैं। यहाँ पे ऊपर है देवी मंदिर टिंकर गांव का, और यहाँ अरे पीछे महिलाएं आराम आराम से अपनी धीमी गतियों के साथ। तो दोस्तों ये है टिंकर गांव का देवी मंदिर, और यहाँ देवी माता की पूजा होती है। देखिए मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ से पेड़ पौधे और बीच में मंदिर। जय हो देवी माता परमश्री, फेर मस्त रहे टिंकर मामाटी फेर मस्त रहे।
तो गाइस टिंकर गांव हमको यहाँ से नजर आ गया है। ये रहा टिंकर का लास्ट पुल। चेहरे पे खुशी और ये देखो पहुँचने की खुशी। सो गाइस ये लास्ट चढ़ाई है, इसके बाद हम फाइनली टिंकर गांव पहुंच जाएंगे। सो गाइस ये रहा टिंकर गांव का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम टिंकर गांव के अंदर घुसने के लिए एंट्री करेंगे। इंटर यहाँ से करेंगे मंदिर की ओर। और ये है टिंकर गांव, तपाईले हार्दिक स्वागत गर्दछ। यह है टिंकर गांव। ये आगे आगे जा रहे हैं और हम पीछे पीछे गांव देखो, ये काफी पुराना गांव है। ओ तो है कबू। ये देखो नहीं रे नहीं रे, मेहमान है कहाँ से काटोगे। बहुत बढ़िया, ये देखो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए टिंकर विलेज इन नेपाल। हमारे के यहाँ काजल लोग के बुआ जी के घर में है। काजल अंदर बना रही है पकौड़ी और चाय, अभी लाएगी बाहर तब हम आपको दिखाएंगे पकौड़ी और चाय का स्वाद टिंकर गांव का। और अब हम जाएंगे इधर उधर भटकने गांव की गलियों में, गांव की शांत गलियों में। देखिए आप भी आइए टिंकर गांव घूमने, बहुत सुंदर। और देखिए आप पीछे देख सकते हैं कैसे बादल आ रहे पीछे से। यहाँ पर भी पहले रहा जाते थे। कहाँ पे भैया? यहाँ पे भी रहा जाते थे, अब कोई नहीं रह रहा है। अच्छा, बहुत पुराने घर है यहाँ, अब हर किसी ने अपना अपना नया नया घर बना लिया है। और यहाँ से जाते हैं चाइना की ओर, तिब्बत। तिब्बत देख सकते हैं आप पूरा। और ये नीचे का व्यू देखिए, मुझे देखिए गाना लगाता हूं। रिवर्स बांध चाहिए, पैरे लगाता हूं। मामा को नाच, मैं नाच भी सकता हूं, पैर तोड़ दिया। बस पंखुए को गंगा पति, ये आए हम टिंकर लगा दो। बढ़िया बढ़िया, ये मामा जी है हमारे। और ये आ गई अच्छा बेचा। और क्या चल रहा है काम धाम गाँव में? लंबे समय बाद परवीन भाई के साथ मिले अंकल जी। तीन साल बाद, दो तीन साल किसा और के बाद।
इंदा शर्मा क्योंकि बोल रहे हो आप शुद्ध हो गए गोबर से शुद्ध इतना फालतू वीडियो मत बनाना इनको भी तो दोस्तों ये है टिंकर गांव की गलियां और आपको दिखाता हूँ चिरबी दिखाता हूँ ये चिरबी सुहा रखा है यहाँ पे एक चोर के लाए अंकु एक माला लंबा वाला दिख रहा नहीं चिरबी भाई तो दाचो लेके आ रहे हैं नीचे से जवान लोग आज का दूल्हा तो गाइस तो ये पहुंच चुका है बड़ानी का दरचो और सारे जवान लोग इसमें अपना योगदान देते हुए